स्टार्ट संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सत्यजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड बराबर वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। तो आइए आज चूंकि लेटरल एंट्री की एक काउंसलिंग तो कल 800 बच्चों तक हो गई और चूंकि कल काउंसलिंग है और आज रथ यात्रा की छुट्टी है तो सबसे पहले मैं रथ यात्रा के लिए आप लोगों को हार्दिक बधाई दे दूं। और इसके साथ ही कल की काउंसलिंग में जनरल और ओबीसी और एसटीएससी के बच्चों को क्या मिल सकता है कॉलेज, इसका मैं डिटेल दे देता हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर कल की काउंसलिंग में जाते हैं तो चूंकि 800 सीएमएल तक कंप्लीट हो चुका है, 800 के बाद जो सीटें बच गई है तो मुझे लगता है कि उनके लिए कंप्यूटर साइंस तो सभी कॉलेज में खाली पड़ा हुआ है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेने का मन बनाया हो तो कॉलेज खाली पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ विशेष चाहिए ट्रेड तो कुछ कमी है। ऑटोमोबाइल बोकारो पुटरी में 6 सीटें जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बचा हुआ है। खरसावा में ईसी, कोडरमा में ईसी और रांची में ईसी के लगभग 12, 13 और 4 सीटें, मतलब रांची में केवल 4 सीटें ईसी की है, बाकी जगह 12 और 13 सीटें हैं। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो फिर फ्री सीट में आना होगा। और मैं बता दूं कि फ्री सीट वास्तव में फ्री नहीं होता, इसमें आपको पीपीपी मोड होता है, क्योंकि कॉलेज को गवर्नमेंट अपनी जमीन दी होती है तो बच्चों को एक कम रेट में वो कॉलेज फी, कम फी में वो पॉलिटेक्निक करवाते हैं। तो इसके लिए पीपीपी मोड में लगभग आपको 10,000 रुपए कर एनुअली देना होगा। और इसमें मैं बता दूं कि बहरागुड़ा में सिविल के 3, माइनिंग का 2, इलेक्ट्रिकल का 1, चांडिल में सिविल का 5, EEE 9, इलेक्ट्रिकल का 8 और मैकेनिकल का 5, और गढ़वा में सिविल का 2, इलेक्ट्रिकल का 8, मैकेनिकल का 11 और ईसी का 15 सीट है। और उसी तरह से मधुपुर में सिविल का 3, इलेक्ट्रिकल का 5 और मैकेनिकल की 6 सीटें, सिली में सिविल के 9, इलेक्ट्रिकल के 2 और मैकेनिकल की 8 सीटें फ्री सीट में खाली पड़ी हुई है। और ओमेन्स कॉलेज की बात करें तो अभी ओमेन्स कॉलेज में रांची का इलेक्ट्रिकल ब्रांच को छोड़कर बाकी सभी ब्रांच, आर्किटेक्चर से लेकर गवरिया का मैकेनिकल और अदर ब्रांचेस भी गर्ल्स का खाली पड़ा हुआ है। तो गर्ल्स कैंडिडेट केवल रांची के इलेक्ट्रिकल जनरल कैटेगरी में नहीं ले पाएंगी, बाकी सारी सीटें उनके लिए खाली पड़ा हुआ है। तो अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो मेरे ख्याल से उन्हें कल निश्चित जाना चाहिए क्योंकि अभी अच्छे अच्छे सीट खाली पड़े हुए हैं। और उसके बाद में बात कर दूं एसटीएससी कैंडिडेट के लिए, तो एसटीएससी कैंडिडेट के कुछ सीएस ब्रांच तो जो मैंने फ्री सीट्स में या जनरल कैटेगरी में कहा वो तो एसटीएससी के बच्चों को मिल ही जाएगा, साथ ही उनके लिए जो विशेष उनके कैटेगरी में बची हुई सीटें हैं तो बोकारो खुटरी में मैकेनिकल का 3 सीट बचा हुआ है एसटी के लिए और एससी का 1, दुमका में सिविल की 3 सीटें एसटी के लिए और एससी के लिए 1 है, खरसावा में इलेक्ट्रिकल का 3 सीट एसटी के लिए और एससी के लिए 1 सीट है, कोडरमा में माइनिंग की 2 सीटें एसटी के लिए और 1 एससी के लिए, लातेहार में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 3-3 सीटें एसटी और एससी के लिए 1-1 सीट, और निरसा में माइनिंग की 3 सीट एसटी का और एससी का 1 सीट, और इसी तरह से मैकेनिकल का भी 1 सीट एसटी का और 1 सीट एससी का खाली पड़ा हुआ है। और जो बच्चे BC1 या BC2 OBC रैंक के आते हैं तो मैं बता दूं कि उनकी कुछ सीटें होंगी और साथ में वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अपना देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो कल की काउंसलिंग में अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो उसका मैंने डिटेल दे दिया और बाकी विशेष जानकारी के लिए आप चार्ट देख सकते हो, लाइव चार्ट देखकर और कल की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय